ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 27 अगस्त 2021 शुक्रवार का दिन है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अश्विनी नामक नक्षत्र होगा तथा मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही अथवा जौ खाकर के यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि सिंह राशि में, वहीं चंद्रमा जो कि मेष राशि में, मंगल ग्रह सिंह राशि में, बुध ग्रह कन्या राशि में, देव गुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में, शुक्र ग्रह कन्या राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह कन्या धनु और मीन ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराब संबंधों में सुधार आएगा। घर की सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति उचित बनी रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है। संतान से संबंधित कुछ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। खर्च की अधिकता हो सकती है। अपनी भावुकता जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। दोपहर के पश्चात ग्रह स्थितियां कुछ विपरीत होगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। मेहनत और लगन से कार्य किया गया तो आपको निश्चय ही लाभ प्रसिद्ध होगा। और उपाय के रूप में छत के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य कार्यों के प्रति आपका विशेष योगदान रहेगा। आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेष उपस्थिति रहेगी। इस समय परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी रिश्तेदार की वजह से धन हानि संभव है। लेन देन करते समय लापरवाही बिल्कुल न करें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यह समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। कार्यक्षेत्र में आय के साधनों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका अधिकतम समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को विद्या या शिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नौकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी। धर्म कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय धन के लेन देन संबंधी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है, जिसकी वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव को सहज व नरम बना करके आपको रखना चाहिए। आज कोई भी नया काम शुरू न करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज परिवार के साथ साथ
आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जिससे आपको आगे चल करके फायदा होगा, खरीदारी होगी, समय अच्छे से व्यतीत होगा, सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनोरंजन भरा वातावरण रहेगा, परिवार तथा व्यवसाय के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे, व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे, परंतु अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। आप किसी षड्यंत्र या गलतफहमी के शिकार भी हो सकते हैं, किसी रिश्तेदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है, मन आपका व्यतीत हो सकता है। उपाय के रूप में भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपका प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबल व कार्यक्षमता में और अधिक वृद्धि करेगा। आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी आ सकती है, परंतु मनन करें कि आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है। लाभ के स्रोत कुछ कम रहेंगे। मशीनरी खानपान से संबंधित व्यवसाय में बेहतर आपको फायदा होने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा प्रभावशाली वाणी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ठ होंगे। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी आपको महसूस होगी। अपने आप को तरोताजा आप महसूस करेंगे। कुछ व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ अपना दायित्व आपको निभाना होगा। निवेश संबंधी मामलों में ज़्यादा पैसा न लगाएं, क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने हुए हैं। उपाय के रूप में गाय को हरी घास या हरी सब्जी खिलाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। आपके सभी सोचे समझे काम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएंगे तथा आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का कारण बनेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति आपका रुझान और अधिक बढ़ेगा, परंतु कभी कभी लापरवाही की वजह से आप बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है, इसलिए इस समय बहुत ही समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर आपको अमल करना चाहिए। आज अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में गरीब व्यक्ति को चने की दाल का दान करना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा, भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेश संबंधी कार्यों में आपकी दिलचस्पी रहेगी। दिल की बजाय दिमाग से काम करें। हिम्मत और साहस के बल पर असंभव कार्य भी आसानी से संभव हो जाएंगे। भावुकता में आकर कोई भी गलत निर्णय न करें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसके कारण संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। इस समय अत्यधिक सचेत रहने की आपके लिए आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलायची आप खाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे। किसी नज़दीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार होंगे। कभी कभी मन में निराशा व नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए। उपाय के रूप में लाल कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रकट न करें, गुप्त उसको रखना चाहिए। योजना को क्रियान्वित करने से पहले एक बार पुनः उस पर सोच विचार अवश्य कर ले तथा आपको कहीं से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। और जो भी सूचना आपको मिले उससे नज़रअंदाज न करें।
आपके लिए वह फायदेमंद साबित होगी। उपाय के रूप में काले तिल गाय को खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर की जरूरत संबंधी कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि जाहिर करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है। और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा व क्षमता को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। समाज में आपकी किसी विशेष उपलब्धि को लेकर के चर्चाएं रहेगी, जिससे मन में उमंग भरी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण यात्रा का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी जी को पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।